हेलो गाइज, कॉमेडियन भारती सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि गाइज आप सबको पता है कि कल जो है एनसीबी ने इनके घर पे छापा मारा था और वहां से काफी मात्रा में जो है नशीले पदार्थ भी एनसीबी को मिले थे, जिसके बाद एनसीबी ने भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन शाम होते होते दोनों लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया। और आज उनके केस पे भी जो है गाइस सुनवाई भी थी और ऐसा माना जा रहा था कि उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में, एनसीबी मतलब पूरी तरह से एक्टिव है और वो वर्क कर रही है। अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है भारती सिंह को लेकर, उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया है और उनको इंट्रोगेशन के लिए भेज दिया गया है, यानी कि अब जो है एनसीबी उनसे पूछताछ करने के लिए फ्री है। वो बाय द वे कल से ही पूछताछ कर रही थी, लेकिन जैसा कि आज जो है चांसेस था उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई है, उनके जमानत को खारिज कर दिया गया है। और अब जो है एनसीबी पूरी तरह से फ्री होकर अशांति से जो है इनसे जो जो लोग जो ड्रग्स रिलेटेड जो कनेक्टेड हैं उनका नाम जो है इनके इनसे निकाल सकती है। लेकिन गाइस जो एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि इन दोनों दोनों के दोनों लोगों ने, भारती सिंह और उनके हस्बैंड दोनों ने कबूल कर लिया है। दोनों ने ये साफ साफ बोल दिया है कि हम दोनों जो है ड्रग्स लिया करते थे और ड्रग्स के नाम पे उन्होंने गांजा का नाम लिया। उन्होंने बोला कि हम जो है गांजा लिया करते थे और 83.5 ग्राम समथिंग गांजा जो है इनके घर से भी मिला है, जो कि कल एनसीबी ने इनके घर से बरामद किया था। तो अभी जो है गाइस इन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये लोग गांजा लिया करते थे और इनके घर से मिला भी है। अब गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।